डैंड्रफ की वजह से बाल हमेशा झड़ते रहते हैं, बाल रूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं। जब आप कंघी करते हैं तो बालों में से सफेद सफेद सा कुछ झड़ने लगता है, बालों में हमेशा खुजली रहती है, आपके स्कैल्प में हमेशा खुजली रहती है। इसका मतलब ये है कि आपको डैंड्रफ की समस्या हो गई है और डैंड्रफ को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है क्योंकि इसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है। अब डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए लोग ना जाने किन किन चीजों का सहारा लेते हैं। वो शैम्पू का यूज करते हैं, मेडिसिन का यूज करते हैं, लेकिन फिर भी उनके डैंड्रफ की समस्या कंट्रोल नहीं हो पाती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप घर पर रहकर ही अपने डैंड्रफ की इस समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ होम रेमेडीज के बारे में बात करेंगे जिसको अपनाकर आप अपने डैंड्रफ को टाटा बाय बाय बोल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। फर्स्ट, एलोवेरा जेल। देखिए, एलोवेरा जेल जो होता है, चाहे वो स्किन हो चाहे वो हेयर हो, हर चीज में एलोवेरा जेल काम आता है। ये वुंड हीलिंग में हेल्प करता है, आपके स्कैल्प में जो खुजली हो रही है उसको ये कम करता है, आपके हेयर फॉलिकल्स को ग्रोथ के लिए प्रमोट करता है। देखिए, अब सवाल ये उठता है कि आपको एलोवेरा जेल को डैंड्रफ के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। तो आपने क्या करना है, अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा है तो आप फ्रेश एलोवेरा जेल निकाल लीजिए, अगर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल को मंगवा कर आपने एक चम्मच एलोवेरा जेल लेना है और उसी को आपने हल्के हल्के हाथों से अपने स्कैल्प पर मसाज करनी है। आप उसको एक पेस्ट की तरह भी अपने पूरे बालों पर लगा सकते हैं। पूरे बालों में जब आप लगाएंगे तो आपके पूरे बालों में एक शाइन आ जाएगी, आपके बाल स्मूथ हो जाएंगे। लेकिन स्कैल्प पे जब आप लगाएंगे तो इसको आप 20 से 25 मिनट तक लगा लेंगे। 20 से 25 मिनट के बाद आपने किसी भी माइल्ड हर्बल शैम्पू से इसको वॉश कर लेना है। हफ्ते में 3 बार आप इसका इस्तेमाल कीजिए, आपको इसका रिजल्ट जरूर दिखेगा। सेकेंड, एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर को आप एक नेचुरल हेयर क्लेंजर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं। डैंड्रफ को ये आपके स्कैल्प पर कम कर देता है। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपने 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर लेना है और उसी को आपने 1 ग्लास पानी में मिला लेना है। अब इसी को आप एक स्प्रे बॉटल में डाल लीजिए और अपने बालों की रूट्स पे हल्के हल्के हाथों से आप सारे स्कैल्प पर इसको स्प्रे कर लीजिए। इसको आप 25 से 30 मिनट तक अपने बालों में ऐसे ही रहने दीजिए। हफ्ते में 1 बार आप इसका इस्तेमाल कीजिए, आपको इसका रिजल्ट जरूर दिखेगा। थर्ड, कोकोनट ऑयल एंड लेमन, यानी कि नारियल का तेल और नींबू। देखिए, जो नारियल का तेल होता है वो नेचुरली आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है, आपके स्कैल्प को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। अगर आपके स्कैल्प जो है बहुत ज्यादा ड्राई है, आपके हेयर्स बहुत ज्यादा ड्राई हैं, तो आप कोकोनट ऑयल से हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिए, आपके बाल बहुत ज्यादा स्मूथ और शाइनिंग हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो आपको साथ में नींबू का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो नींबू है उसके अंदर विटामिन सी होता है और विटामिन सी जो होता है वो डैंड्रफ को कम करने में हेल्प करता है। इसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है और यही सिट्रिक एसिड बहुत सारी स्कैल्प की प्रॉब्लम्स को कम करने में हेल्प करता है। अब सवाल ये उठता है कि आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है। आपने क्या करना है, आपने 2 से 3 चम्मच नारियल का तेल लेना है, उसी के अंदर आपने 5 से 6 बूंदे नींबू की डाल लेनी है। दोनों को अच्छे से आपने मिलाना है और इसी को आपने अपने स्कैल्प पे यानी कि अपनी जड़ों पर लगाकर छोड़ देना है। 15 से 20 मिनट के बाद आप किसी भी माइल्ड हर्बल शैम्पू से इसको वॉश कर लीजिए। हफ्ते में 3 बार आप इसका इस्तेमाल कीजिए और इसका रिजल्ट आपको खुद दिखेगा। फोर्थ, ऑलिव ऑयल एंड विनेगर। देखिए, जो ऑलिव ऑयल होता है उसको आप एक नेचुरल कंडीशनर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके स्कैल्प पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और जो विनेगर होता है उसके अंदर एसिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ये आपके स्कैल्प पर फंगल इन्फेक्शन को खत्म कर देता है और डैंड्रफ से फाइट करने में आपकी मदद करता है। अब आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपने 2 चम्मच ऑलिव ऑयल लेना है और उसी के अंदर आपने 1 चम्मच विनेगर मिलाना है और दोनों को मिलाकर आपने अपने हेयर्स को सेक्शंस में बांटकर बीच में अच्छे तरीके से ये जो मिक्सचर आपने बनाया है इसको आपने अप्लाई कर लेना है। लगभग 30 से 40 मिनट तक आप इसको ऐसे ही लगा रहने दीजिए। 30 से 40 मिनट के बाद आप किसी भी माइल्ड हर्बल शैम्पू से इसको वॉश कर लीजिए। हफ्ते में 2 बार आप इसका इस्तेमाल कीजिए और इसका रिजल्ट आपको खुद दिखेगा। फिफ्थ,
दही। देखिए दही तो हर घर में मौजूद होती है और इसके अंदर बहुत सारी एंटी माइक्रोबियल एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। ये नेचुरली आपके स्कैल्प को सूद करती है। नेचुरली ये एक ऐसी रेमेडी है जो डैंड्रफ को कम कर देती है और कई केसेस में तो खत्म भी कर देती है। अब आपने दही को इस्तेमाल कैसे करना है? आप दही को डायरेक्टली अपने बालों में लगा सकते हैं या फिर आप 2 चम्मच दही के अंदर 1 चम्मच बादाम का तेल मिला लीजिए। दोनों को अच्छे से मिलाकर आप अपने स्कैल्प पर लगा लीजिए, खास करके हेयर रूट्स पे, और आप अपनी लेंथ पर भी इसको लगा सकते हैं। लेंथ पर लगाने से ये आपके बालों को स्मूथ कर देगा और उसमें एक अच्छी सी शाइनिंग आ जाएगी। अब आपने 30 मिनट तक इसको ऐसे ही लगे रहने देना है। 30 मिनट के बाद आप किसी भी माइल्ड हर्बल शैम्पू से इसको वॉश कर लीजिए। हफ्ते में 3 बार आप इसका इस्तेमाल कीजिए और बालों में एक अलग असर आपको इसका जरूर दिख जाएगा। ये जितनी भी होम रेमेडीज मैंने आपको बताई है, आप इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपको इसका रिजल्ट कैसा आया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन बुक कराना चाहते हैं तो वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके मुझसे कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। नमस्कार।